नरेंद्र मोदी आज 11 बजे विपक्षी नेताओं से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बातचीत में कोरोना से निपटने के तरीकों पर होगी चर्चा। कोरोना संकट पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, खर्चों में कटौती समेत दिए 5 सुझाव। सोनिया गांधी ने चिट्ठी भेजकर की मांग। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5150 के पार। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5150 के पार पहुंची। लगातार पांचवें दिन 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब तक 148 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होकर 402 लोग घर गए। ICMR के मुताबिक मंगलवार रात 9 बजे तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट हुए। देश की 136 सरकारी लेबोरेटरीज में हो रही है कोविड-19 की टेस्टिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मरकज से राज्य में आए जमातियों को दी आखिरी चेतावनी। ट्वीट कर कहा, 24 घंटे में खुद सामने आए नहीं तो दर्ज होगा केस। देश प्रदेश की सुरक्षा संकट में डालने के आरोप में होगी कार्रवाई। पंजाब सरकार ने राज्य में छुपे तबलीगी जमात के लोगों को चेतावनी दी है कि वे 24 घंटे में सामने आकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। सरकार ने तबलीगी कार्यालय से निकाले गए 1950 जमातियों के फोन नंबर पुलिस को दिए हैं। पुलिस से कहा गया है कि वो इन मोबाइल नंबरों के जरिए पता लगाएं कि 25 मार्च से पहले ये लोग कहां कहां घूमे और किससे मिले। दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे करीब 60 जमाती फोन बंद करके लापता हो गए हैं। सरकार ने पुलिस को इन जमातियों को ढूंढने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में DGP की चेतावनी के बाद तबलीगी जमात के 180 लोगों ने किया आत्मसमर्पण। सरकार ने सभी को क्वारंटीन में भेजा। कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी जारी रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। कुछ राज्यों ने भी केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खोलने पर सीएम योगी का बयान, कहा केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लिया जाएगा फैसला। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात की वजह से खराब हुई है स्थिति। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, लॉकडाउन नहीं मानने पर एक कोरोना संक्रमित मरीज 30 दिन में 406 लोगों को कर सकता है संक्रमित। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन आगे बढ़ाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं, लेकिन कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने पर महाराष्ट्र सरकार जारी रख सकती है लॉकडाउन। कोरोना संकट के बीच योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ले सकती है बड़े फैसले। उत्तराखंड के देहरादून में भी त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। विधायक निधि और विधायकों के वेतन भत्तों पर हो सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 330 के पार, जिसमें से 176 तबलीगी जमात से जुड़े मामले। अब तक 27 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर गए घर। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 8 में नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। DM सुहास अलवाई ने कहा, एहतियात के तौर पर कुछ लोगों को किया गया क्वारंटीन। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। उत्तराखंड के देहरादून में कोरोना पर जागरूकता अभियान चलाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम का समुदाय विशेष ने किया विरोध। उन्हें समझाने पहुंचे स्थानीय पार्षद महताब आलम की बात भी सुनने को तैयार नहीं हुए लोग। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 342 के पार पहुंची। मंगलवार को 42 पॉजिटिव केस आए सामने। जयपुर में 106 पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक। अधिकारियों को इंदौर और भोपाल की सीमाओं को सख्ती से सील करने के निर्देश। कहा, तेजी के साथ किए जाएं सर्वे और टेस्टिंग के काम। मध्य प्रदेश में पद से हटाए गए स्वास्थ्य विभाग के कोरोना पॉजिटिव अधिकारी पल्लवी गोयल की जगह अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को सौंपी गई विभाग की जिम्मेदारी। जे विजय कुमार को हटाकर सुदामा खाड़े को बनाया गया डायरेक्टर हेल्थ मिशन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पेंशनर्स के खाते में ट्रांसफर की पेंशन। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के खाते में भेजी 2 महीने की पेंशन। ऑनलाइन ट्रांसफर किए 562 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकान। सरकार ने 7 दिन के लिए आगे बढ़ाया ठेके बंद करने का फैसला। पूर्व CM रमन सिंह ने CM को पत्र लिखकर की थी मांग।
में मंगलवार को कोरोना के 25 नए मामले सामने आए, वहीं संक्रमितों की संख्या भी 550 के पार पहुंच गई। इनमें से 331 मामले निजामुद्दीन मरकज से ही संबंधित हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमातियों के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस टीम ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रही है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत, इसके साथ पुणे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 के पार, जिला मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी। मुंबई में एक ही परिवार के 7 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, पहले इस परिवार का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव था लेकिन जब परिवार के बाकी लोगों की जांच की गई तो बाकी 6 भी पॉजिटिव निकले। बीएमसी ने मुंबई में भीड़ कम करने के लिए दुकानों को इवन और तारीखों पर खोलने का दिया आदेश, बांद्रा में एक तरफ की दुकानें इवन और दूसरी तरफ की दुकानें और तारीखों पर खुलेंगी। कर्नाटक के बीदर में कोरोना पॉजिटिव किर्गिस्तान के 8 नागरिकों पर पुलिस ने किया केस दर्ज, सभी पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप। तमिलनाडु में कोरोना के और 69 नए मामले सामने आए, इनमें से 63 निजामुद्दीन मरकज में हुए थे शामिल। तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 690 के पार पहुंची। केरल में कोरोना के और 9 मरीज मिले, केरल में कोरोना के मरीजों की संख्या 326 के पार पहुंची। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लॉकडाउन का लिया जायजा, अंजनी कुमार ने लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। आंध्र प्रदेश में 4 साल के हेमंत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए गुल्लक तोड़कर सीएम रिलीफ फंड में 971 रुपए किए डोनेट। हेमंत साइकिल खरीदने के लिए इकट्ठा कर रहा था पैसा, मंत्री पेरिनी नानी ने हेमंत को साइकिल गिफ्ट करने का किया वादा। कोरोना वायरस से जुड़ी झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने पर महाराष्ट्र साइबर विभाग ने 113 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, पुलिस ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी फैलाने वालों को जल्द करेंगे गिरफ्तार। सीबीआई ने सभी राज्यों की पुलिस को चिट्ठी लिखकर साइबर क्राइम को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। सीबीआई ने आशंका जताई है कि कोरोना की आड़ में अपराधी साइबर अपराधों को अंजाम देकर लोगों को लूट सकते हैं, जरूरी दवाइयों के नाम पर भी हो सकती है धोखाधड़ी। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में लाखों फूल खिले हुए हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी पर्यटक इन्हें देखने वाला नहीं है। गार्डन बंद होने से पर्यटन उद्योग को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेलवे ने देश भर के 2,500 डिब्बों में 40,000 आइसोलेशन बेड बनाए हैं। रेलवे देश भर की 133 लोकेशनों पर रोजाना 375 बेड तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहा है। रेलवे ने किया अलग अलग रूटों पर चलने वाली 3 प्राइवेट ट्रेनों की बुकिंग 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने का ऐलान। काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ दिल्ली तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस ट्रेन की बुकिंग को 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला। तमिलनाडु के चेन्नई में कोरोना पॉजिटिव लोगों की देखभाल के लिए किया जा रहा है रोबोट का इस्तेमाल। रोबोट मरीजों को दवा और भोजन देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ 3 रोबोट हैं जिन्हें जल्द 10 की संख्या में कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस एक युवक को यमराज का भेष बनाकर शहर में घुमा रही है। हाथ में गदा और यमपाश लेकर घूम रहे यमराज कह रहे हैं कि अगर लोग घरों से बाहर निकले तो वो उनकी जान ले जाएंगे। लॉकडाउन होने के बाद वाराणसी के कैंट स्टेशन पर अटके 3 दर्जन यात्रियों को स्टेशन में बने वेटिंग हॉल में क्वारंटीन किया गया। उन यात्रियों को बोरियत से बचाने के लिए योग और महाभारत रामायण दिखाए जा रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले में गश्त पर निकले पुलिस अधीक्षक आदर सिद्धू और एएसपी विपिन कुमार समेत बाकी जवानों पर लोगों ने पुष्प बरसाकर धन्यवाद जताया। लोगों ने कहा कि संकट की इस घड़ी में वो उनके असली हीरो हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में लोगों ने पुष्प बरसाकर तालियां बजाकर पुलिस टीम का धन्यवाद किया, कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी अपनी जान खतरे में डालकर कर रहे हैं ड्यूटी। लॉकडाउन के बीच कैटरिंग कंपनी सीसीआई भी लोगों की सेवा के लिए आगे आई है। कंपनी के एमडी वीरेंद्र हांडा के मुताबिक कंपनी की ओर से रोजाना करीब 10,000 लोगों को भोजन बांटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी पर ग्रेनेड फेंक कर किया हमला, 2 जवान हुए घायल। हमले के बाद जवानों ने जवाब दिया लेकिन आतंकी भाग निकलने में कामयाब। कोरोना महामारी के बीच दुनिया में दिखी अद्भुत खगोलीय घटना, मंगलवार रात साल 2020 का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला चांद नजर आया, इसे सुपर पिंक मून कहा जा रहा है।